जी, ये एक साहब ने बाजमात नमाज पढ़ी है और इसके बाद इनको मालूम हुआ कि अजान नहीं दी गई थी, ठीक, तो पूछ रहे हैं क्या नमाज दोहराई जाए? ना, नमाज दोहराई नहीं जाएगी। खिलाफ सुन्नत तो तर्क हो, सुन्नत का तर्क हो गया, लेकिन नमाज का ये अदा नहीं है, नमाज को दोबारा अदा नहीं करना है, नमाज हो गई। अलबत्त वो छोड़ दिया सुन्नत, वो तो बड़ा इस्तिगफार करने चाहिए, तौबा करने छूटी क्यों सुन्नत? अजान तो अहम सुन्नत है, ये तो शआर इस्लाम में है, नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर छूट गई गफलत की वजह से, याद नहीं रहा, जमात हो गई, अब नमाज लौटाने की जरूरत नहीं। जी, एक साहब पूछ रहे हैं कि अजान का जो अहम मकाम है शरीयत में, तो उसकी वजह से क्या ये जरूरी नहीं कि अच्छी आवाज वाले इंसान? हाँ, अच्छा खुश अलहान होना चाहिए, जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसकी हरूफ की अदायगी अच्छी हो, ऐसा मौजन रखो कि जिसकी हरूफ की अदायगी भी सही हो और लहना लहन और लहजे भी क्या हो, अच्छा हो। यहाँ तो कश्मीर में एक बहुत चीज़ है, एक चीज़ में हमें कश्मीर में इत्तेफाक है, वो है पूरी, आप करना जाएं, उड़ी जाएं, राजौरी जाएं, पुंछ जाएं, कहीं भी जाएं, श्रीनगर जाएं, गांव में जाएं, अजान जैसे हिशी का सा ऐसे गलत, तो अजान को सही करने की जरूरत है, अल्फाज भी सही होने चाहिए और लहजा भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बुलाता ही है एक बड़ी इबादत के लिए। जी, एक सवाल है कि अजान के दौरान या बयान होता है कभी जुम्मा का बयान, क्या उस दौरान जिक्र या तिलावत कर सकते हैं? इसके बारे में मसला ये है कि अजान का जवाब देना भी इबादत, अजान सुनना भी इबादत, और कुरान पढ़ना और जिक्र करना भी क्या इबादत, तो एक इबादत की वजह से दूसरी इबादत का बंद करना लाजिम नहीं है, इसलिए अगर ये अपनी इबादत को कंटिन्यू रखें कि उसमें कोई हर्ज की बात है, नहीं है। हाँ, अगर अदबन उसको जवाब दे फिर अपना शुरू करे, मान उसने अल्लाह अकबर कहा, इसने अल्लाह अकबर कहा, फिर आपने जिक्र में लगा रहा, तो उसमें कोई हर्ज की बात, इन्हें दोनों को जमा कर सकता है, लेकिन बंद करना कोई जरूरी नहीं। जी, एक सवाल है कि जब नया मकान तामीर किया जाता है तो वहाँ अक्सर लोग अजान देते हैं, ये सुन्नत है? हाँ, मकान की जब बुनियाद रखते तो अजान देते हैं, और अजान में होता है हय्या अलस्सलाह, नमाज के लिए नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कौन सी अजान होगी जिसमें क्या है नमाज नहीं है, तो वो अजान जिसमें नमाज ही नहीं है वो नमाज कहते तो गलत बात है, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं ये बिदअत है, बुनियाद के वक्त अजान देना ये बिदअत है, हदीस से साबित नहीं है, और वैसे बताया मैंने वो जो मैंने बिदअत की तारीफ बताई, देखो उस जमाने क्यों करते हैं अजान देते, जो बस अजान क्यों देते, उस जमाने में भी असबाब थे, उस जमाने में तकाजे भी थे, और कोई माना नहीं था, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये बिदअत हो जाएगा। जी, एक शख्स